हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लम्बिंग एंड सिविल वर्क चैनल में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो न्यू कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू होता है उसमें ड्रेनेज लाइन की कब फिटिंग करनी चाहिए और किस तरह से उसकी पाइपलाइन करनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी देता हूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमारी ड्रेनेज लाइन के वास्ते जो नाली है उसको हमने पहले ही कर लिया था और उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारा 8 इंच का SWR पाइप है इसको हमने यहाँ पे नाली के अंदर डाल दिया है ताकि हम जो हमारे सबसे लास्ट वाली साइज है आखिरी वाला जहाँ से हमारा पाइप लाइन बिल्डिंग में से चालू हो रही है तो हम उसको यहाँ पे जो हमारे बीम आए वाला है वो बीम की साइज कम से कम 18 इंच 1.5 फीट की हाइट है तो उसके नीचे से ही लेना था हमको ताकि बीम को हमको डैमेज नहीं करना था। इसकी वजह से पाइपलाइन यहाँ पे थोड़ी खोल जा रही है तो उसको भी हम 2 प्लेवल में फिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे 30 फीट का जो पाइप है उसको हम स्लूप दे रहे हैं यहाँ पे 5 इंच तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे पाइप को सेट करना है। ज़्यादा भी स्लूप देने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है, उसको स्लूप भी मेंटेन जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए। ज़्यादा स्लूप दे के पाइप को ऐसा बोलो तो क्या होता है, उसमें का जो पानी निकल जाता है और मेल उसमें रहता है तो उसकी वजह से स्लूप भी उसको एकदम लेवल टू लेवल स्लूप चाहिए जो जितनी उसको ज़रूरत रहती है पाइप को। मेरा यहाँ पे 7-8 इंच का स्लूप होगा तो उसको तो मैं उसको नीचे से सपोर्ट दे के उसको पाइप को ऊपर ले रहा हूँ। उसके बाद फिर एक बार 2 प्लेवल चेक कर लेता हूँ तो उसमें मुझे हम मेरी पाइप की क्या लेवल है उसमें समझ में आता है। तो कभी भी दोस्तों देखिए, न्यू कंस्ट्रक्शन में आप उसमें आपका भर्ती को डाल देते हैं और उसको जो PCC रहती है उसके पहले प्लम्बिंग का पाइप डालना ज़रूरी है ताकि बाद में जो PCC है उसकी मजबूती हम तोड़ की पाइप डालते हो तो उसकी मजबूती का जो रहता है वो थोड़ी मजबूती ख़राब होती है तो उसकी वजह से पाइपलाइन जो PCC से पहले डालने का यही एक कारण रहता है। और हम उसका थोड़ा भर्ती डाल के पाइप को फिक्स कर लेंगे। ये जो आप यहाँ पे बंगलो बनने वाला है ये बंगलो 5 मंजिल का है तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 8 इंच का पाइप यूज़ करा है और दोनों साइड से हमने उसको गोनी से पैक करके पाइप में कचरा नहीं जाना चाहिए उस हिसाब से डाला है। और ये वो जो बंदा खड़ा है दोस्तों उधर से जो पाइप है तो इधर के साइड में आने वाला है पानी उसका नीचे के साइड। मैं आपको भी बताता हूँ कि जो नीचे की साइड में जो मेन लाइन जाने वाली है नीचे वो ये दोनों पाइप के नीचे से वो लाइन जाने वाली है। देखो इधर हमारा जो आउटलेट का पानी है वो इधर निकालने के बाहर के साइड तो ये जो पाइप है दोस्तों जो मैं अभी डाल रहा हूँ वो ऊपर भी रहा तो चलता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पानी का जो पाइप डाला मैंने ड्रेनेज का तो ये दोनों पाइप ऊपर रहने वाले हैं और ये जो मैं आप इधर आपको बता रहा हूँ ये जो हमने यहाँ पे नाली मारी वाली है नाली करी वाली है तो ये हमारा मेन आउटलेट का पाइप रहने वाला। तो ये दोनों पाइप जो आए वाले उसके नीचे ये पाइप रहने वाले, कम से कम जो हमारा सबसे नीचे पाइप है दोनों में उससे ये पाइप 1.5 इंच तो भी नीचे रहेंगे ताकि चैम्बर में उसको स्लूप निकलना आना चाहिए तो उस हिसाब से ये पाइपलाइन की फिटिंग करना पड़ता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।